हे माजी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सिंधी अकॅडमीचे हे माजी मंत्री आणि अखिलेश यादवच्या सरकारमध्ये हे मंत्री होते सिंधी अकॅडमीचे, तर हे आलेत आमच्या समाजाच्या संमेलनाला सुविणा सिंधीचा, तर ते दोन शब्द बोलतो. सुविणा सिंधी पुणे और ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड के तत्वाधान में आयोजित इस 27वें विश्व सिंधी सम्मेलन में आए हुए 40 देशों के सिंधी समाज के बानीकार और यहाँ भारत के आए हुए सभी सम्मानित प्रबुद्ध जनों का हृदय की गहराइयों से अयोध्या नगरी के नाते स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ. उत्तर प्रदेश के सिंधी समाज की ओर से सभी का स्वागत करता हूँ और इस सम्मेलन से एक सामाजिक राजनीतिक ऊर्जा का संचार संपूर्ण देश और विदेश में होगा. निश्चित रूप से सिंधी समाज की राजनीतिक उन्नति, सिंधी समाज की सामाजिक उन्नति, सिंधी समाज राजनीति में कैसे आगे बढ़े, सिंधी समाज सामाजिक क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़े, सिंधी समाज प्रशासनिक क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़े, इन सबको लेके ये सम्मेलन आयोजित किया गया है. निश्चित रूप से इस सम्मेलन की खुशबू आने वाले कई वर्षों तक रहेगी और ये खुशबू बिखिरती रहेगी और सिंधी समाज का भला होगा. निश्चित रूप से आने वाले समय में सिंधी समाज को नए नए आयाम मिलेंगे, नए नेता मिलेंगे, नए प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे. उन सबको एकजुट होकर एकजुटता का एक संदेश पूरे देश में इस सम्मेलन के माध्यम से गया है. हम पुनः आए हुए सभी डेलीगेट्स का जो देश और विदेश से आए हैं सभी का अपने हृदय की अंतकरण से उनका धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की ओर से उनको अपना ये निवेदन करते हैं कि अयोध्या भी आए और अयोध्या आकर हम भाई को कोई सेवा देने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम सब कृतार्थ होंगे. हम आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में मुझे सेवा करने का मौका मिला था. तब अखिलेश जी की सरकार में सिंधी अकेडमी की झांकी निकलती थी जो पूरे देश में कहीं भी झांकी 26 जनवरी को नहीं निकली थी. वो झांकी लखनऊ की परेड में 26 जनवरी को निकालने का काम पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ था. इससे सिंधी समाज का गौरव बढ़ा था, सिंधी समाज के प्रबुद्ध जन, सिंधी समाज के संतों का, सिंधी समाज के महापुरुष अमर शहीद हेमू कालाणी, सिंधुपति राजा दाहिर सेन का सजीव चित्रण उस झांकी में किया गया था और सर समाज को यह पता पड़ा था कि सिंधी समाज का आजादी में क्या योगदान है. ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश में हुए थे. सिंधु दर्शन यात्रा पर अनुदान देने का काम हम लोग ने कराया था और सिंधी विषय से बी एम ए की पढ़ाई जो पूरे देश में केवल 4-5 जगहों पे है उत्तर प्रदेश में पहली बार हम लोग ने प्रारंभ कराई. ऐसे अनेक कार्य उत्तर प्रदेश में हुए जिससे सिंधी समाज का मान सम्मान बढ़ाया. मैंने सम्मेलन में भी अपने उद्बोधन में और लोग समाज के प्रबुद्ध जनों से कहा कि ये कार्यक्रम पूरे देश में पूरे हर प्रदेश में झांकियां निकलनी चाहिए, हर प्रदेश में सिंधी की पढ़ाई होनी चाहिए, हर प्रदेश में सिंधी बच्चे सिंधी पढ़कर IAS बने, यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है. अगर IAS बनेंगे तो समाज सशक्त बनेगा और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. यही सम्मेलन का मूल मंत्र है कि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक उत्थान हो, यही सम्मेलन का मूल मंत्र है. पुनः आप सभी मीडिया के साथियों को हृदय से बधाई कि आप सबने चारों दिन इस सम्मेलन को बड़ प्रमुखता से दिखाया, आप सब भी बधाई के पात्र हैं. जय हिंद, जय भारत. और एक कवि की लाइनें हैं, गुल गुलशन गुलजार हो जाता है, गुल गुलशन गुलजार हो जाता है और इस सम्मेलन में आने वालों का बेड़ा पार हो जाता है. सिंधी भाषा के संरक्षण, संवर्धन, विकास के लिए, चूंकि सिंधी भाषा 10 अप्रैल 1967 को देश की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था, उसी क्रम में पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, अलग जगह पे सिंधी समाज जहाँ रहता है, सिंधी भाषा के विकास, सिंधी भाषा के संरक्षण, सिंधी कल्चर के संरक्षण के लिए एक एकेडमी का गठन होता है जिसे उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी है, यहाँ महाराष्ट्र साहित्य एकेडमी है. मैं महाराष्ट्र में इस समय वर्तमान उस एकेडमी में कोई भी सिंधी भाषी व्यक्ति नामित नहीं है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें उस महाराष्ट्र सरकार से कि यहां सिंधी समाज की भाषा के संरक्षण के लिए यहां एक सिंधी व्यक्ति को नामित करें जिससे सिंधी भाषा का विकास हो सके और सिंधी समाज में एक सकारात्मक संदेश जा सके और सिंधी भाषा का विकास, संरक्षण, संवर्धन हो सके, क्योंकि ये हमारा अधिकार है. इस अधिकार को मैं निवेदन करता हूँ कि किसी भी सिंधी व्यक्ति को जो साहित्य में अच्छा काम करता हो, जिसने समाज के लिए अच्छा कार्य किया हो भाषा साहित्य के लिए, उसे नामित करके सिंधी भाषा का संरक्षण करें. जय हिंद, जय भारत. अमृत राजपाल, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार.